अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत और आप कैसे हैं यार। ये देखें कितना ज्यादा गंदा है यार, ये मुझे साफ करना पड़ेगा आज या कल। आज तो नहीं हो सकता, आज वाली बात झूठ है, कल इंशाल्लाह सारे का सारा सेटअप साफ कर देंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और कल पैड जोन ये भी नीट एंड क्लीन कर देना है। इसको क्या हुआ, ये कभी नहीं इस तरह बैठी यार, जब भी मैं आता हूँ ये भाग रही होती है ऐसे ऐसे ऐसे, जैसे ये वाली डक्स कर रही है ना, ये वाली डक्स ऐसे भाग रही होती है। देखे देखे देखे, उसे चला नहीं जा रहा। ओए अल्लाह, तो क्या हो गया? ओए एक मिनट, अंदर ही रहो, सारे अंदर ही रहो, कोई नहीं बाहर आएगा। ये देखे यार, देखे 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 देखे, इसे चल रही है, वो चल ही नहीं पा रही। ओए इसकी टांग, इधर आ, इधर आ। यार इसको क्या हो गया, इसको इधर रख के चेक करता हूँ यार। मैं देखता हूँ, इधर ही बैठ, इधर ही बैठ, इधर ही बैठ, इधर ही बैठ, मैं इधर नीचे बैठता हूँ, तू इधर ही बैठ। ए ऐसे ऐसे बैठ जा, मुझे दिखा हड्डी वगैरह को तो नहीं चोट लगी। यार हड्डी तो इसकी बिल्कुल ठीक है, ये देखें। बिल्कुल ओके है यार, टांग भी ओके है। दूसरी टांग देख लेते हैं, दूसरी टांग भी ऐसे ही है क्या इसकी? अगर इस टांग में और उस टांग में कोई फर्क होगा ना, तो फिर भाई इसको कुछ ना कुछ हुआ है। एक मिनट एक मिनट, ये भी ऐसे ही है, सेम है यार, दोनों टांगे सेम है। ये देखें हला भी सही रही है, तो क्या हुआ क्या है इसको, मुझे समझ नहीं आ रही है। मोटो ए क्या हुआ, डोली किसी ने मारा है? यार हमारी डोली को पता नहीं क्या हो गया, अल्लाह खैर करे यार, मुझे समझ नहीं लग रही इसको क्या हुआ क्या नहीं, ना ही इसका कोई निशान नजर आ रहा है मुझे चोट का। मैं टांग ही भूल गया हूँ कौन सी टांग थी, एक मिनट इसको पढ़ता हूँ। हाँ ये वाली है, ये वाली। देखे देखे यार, उसे चला भी नहीं जा रहा बेचारी से। हाँ हाँ अब मैंने दबाया, आराम आराम से चल रही है ना, ठीक हो रही है, ठीक हो रही है, शुक्र है अल्लाह का। यार डरा दिया था इसने, लेकिन इसको ये चोट मुझे नहीं पता कैसे पहुंची है कैसे नहीं, लेकिन इसकी टांग मैंने ना थोड़ी सी दबाई है, इसकी टांग दबा के सीधी की है, इसकी मालिश वगैरह की है ना, तो ये ओके हो गई है, लंगड़ा लंगड़ा के चल रही है, लेकिन अब ठीक हो गई है। पहले तो ठीक हो गया, पहले तो इसे चला ही नहीं जा रहा था, आप दोस्तों ने देखा ना कैसे यार जमीन पे बैठ गई थी चलते चलते ही, अब शुक्र है अल्लाह का ठीक हो गई है यार, ये देखें ठीक हो गया। खैर यार इनको इंजॉय करने देते हैं, घूमने देते हैं। जैसे यार ये चारा वगैरह नीचे बिखरा हुआ है ना, थोड़ा बहुत मेंगने वगैरह चारा वगैरह, इनसे ना हमारे मुर्गे, हमारे गोल्डन बफ, हमारी डक्स, ये सारी खुश खुश रहती हैं। और यार अभी फिर यार अब फिर ना डक एक जगह पे जाके खड़ा हो गई है, वो देखें एक ही जगह पे स्टिल खड़ी है यार। बस यार मुझे नहीं समझ लग रही इसको क्या हुआ है, ठीक हो जाए बस। ये देखिए अब बिल्कुल भी नहीं चला जा रहा इसे, अब मैं फिर इसके पाँव की मालिश, ओए इधर आ यार, मैं इसके पाँव की मालिश कर लूँ फिर आपसे मिलता हूँ। चलो भाई मालिश मैंने कर दिया, अब फिर इसको छोड़ के देखते हैं क्या ये ठीक होती है। ए चल नहीं यार, हाँ हाँ नहीं, आहिस्ता आहिस्ता पाँव लगा रही है, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता लगा रही है, ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। आज रात को जब मैं आऊँगा ना ये यस हो जाएगी, ओके हो जाएगी। अब इनको यार दाना शाना डाल देते हैं। डक्कू आ गया मेरे पीछे, कह रहा मेरी बीवी को तूने उठाया है, क्यों उठाया मुझे सिर्फ इतना बता दे, तूने क्यों उठाया कातिया। चल भाई दाना डाल देते हैं इधर बाहर। चलो भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आ लो भाई कबूतरों को भी खोल देते हैं। चल भाई चल, ओके चलो चलो बाहर चलो। यार देखें अब ये सारे क्रेट ना खाली हो गए हैं, पहले इसमें अंडे थे, मैंने आप दोस्तों को सरप्राइज देना था और उसमें अंडे थे, गोल्डन बफ ने क्या किया अंडे तोड़े और खा गया यार, बहुत बुरी हरकत थी यार उसने। मैंने आप दोस्तों के लिए सरप्राइज रखा हुआ था,
कि यार एकदम आप दोस्तों को सरप्राइज दूंगा कि देखें हमारे हमारे सेटअप पर कितने ज्यादा अंडे आ गए, क्रेट लगाते हैं साथ ही। लेकिन उसने सारा प्लान चौपट कर दिया यार। मुझे सिर्फ इतना बताओ ये बाहर आए तो आए कैसे? अभी तो तोते अंदर से यार, दोनों तोते बाहर आ गए हैं। और मुझे पसीना देखे कितना ज्यादा आया हुआ है। आए पकड़े नहीं जाएंगे अभी यार, ये पकड़े नहीं जाएंगे यार, मैं इनको पकड़ लूं फिर आप दोस्तों। तुम लोग ना बड़े बदमाश हो, मैं तुम्हें बता दूं। एक तो मैं पकड़ के तुम्हारे पिंजरे में छोड़े और ऊपर से दंडी काट लेते हैं यार, ये देखे। चलो भाई ओके हो गया, ये लो दाना शाना आ गया, ओके पानी शानी तुम्हारा डाल दिया, ओके भाई बजीज थक गया यार। ये देखे उनको पकड़ने के चक्कर में ना ये डर जाते हैं तोते, कहते हैं समझते हैं कि हमें पकड़ा ये। चलो यार क्या रानो शोर क्यों मचा दिया इसने, ना तो अंडा देना, क्योंकि थोड़े दिन ही पहले मैंने इसकी कुड़क तोड़ दी थी। मैंने आप दोस्तों को कहा था कि इसका तरीका मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करूंगा, मैंने सिर्फ इसको हल्का सा नहलाया, बल्कि नहलाया भी नहीं, बारिश में खुला छोड़ा, ये खुद ही इसकी कुड़क टूट गई यार। डक क्या हुआ है यार मेरी जान, परेशान हो रहा हूं मैं। ये ले यार देखे इसको चला ही नहीं जा रहा। मैं देखता हूँ यार इसको, देखे यार वो बैठ के बेचारी कैसे सांस ले रही है। इधर आ यार, क्या हुआ क्या है तुझे, किसने मारा है, किस तरह तुम्हारी टांग अड़ी है, कहां पर फंसी थी कहीं पर यार? मुझे लग रहा है, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि ये वाली इसकी टांग ना डैमेज हो चुकी है, ये वाली टांग। खैर यार कबूतरों को दाना भी डाल दिया, पानी भी डाल दिया, असील को दाना डाल दिया, पानी डालना है, अभी पैर जून में सब कुछ क्लियर है और इंशाल्लाह कल पूरा सेटअप साफ हो जाएगा। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि पूरा सेटअप क्या बोली जा रहा हूँ मैं, पूरा सेटअप साफ कर दूं। खैर दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और हमारा सरप्राइज अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह फिर एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज। और इंशाल्लाह कुछ ही आने वाले दिनों में आप दोस्तों को बता देंगे कि यार हमारी बकरियां कहां पर गई हैं, वहां पर किस तरह रह रही हैं, क्या सूरत हाल है उनकी, वो भी सारा कुछ आपको जाके दिखाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।